चंद्रयान तो आज गया है, मुख से दुनिया में कौन बच्चा पैदा हुआ, भारत में, तो ये सब तो पहले ही देश में हो चुका है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो वो लोग विज्ञान विज्ञान को नहीं मानते, कोई सूरज निकल जा रहा है, कोई समुद्र पी जा रहा है, ये सब दुनिया में और कहीं संभव है? इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। तो उनसे उनकी क्या उम्मीद करें, वो यही सब करेंगे, पाखंड फैलाएंगे। इस देश के नागरिक को तय करना है कि अपने बच्चों को पाखंडी बनाएंगे या विज्ञान और तकनीक पर उनको शिक्षित रोजगार जागरूक करेंगे। आज आप पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन में शामिल हुए हैं, क्या क्या सर इसका पर्पस क्या है सर? देखिए, आज का कार्यक्रम सामाजिक न्याय आंदोलन मंच बिहार और यहाँ मुजफ्फरपुर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने मिल करके पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन, इसके नाम से ही तय है कि पिछड़े में सब आ जाते हैं, जैसे OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पसमानदा सारे लोग आ जाते हैं। यानी इस देश में जो हाशिए पर ढकेल दिए गए लोग हैं, जगह जमीन धन संपत्ति शिक्षा रोजगार से, वो सारे लोग अगर भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी इस बात के लिए संघर्ष करें कि हमें यार हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, समता नहीं है, हमारे मूल्यों के बीच में झगड़ा लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना ही संकट में है। तो हम उनको चेतना संपन्न कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। देश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये हमारी लड़ाई नहीं है, शिक्षा रोजगार की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई। तो उसकी चेतना लोगों में फैलाना, लोगों को मंडल कमीशन, भारत के संविधान के प्रति जागरूक करना, ये आज के कार्यक्रम का मकसद था कि एक बराबरी का समाज बने जिसमें सब लोग खुशी से रह सकें। संविधान बचाने की बात हो रही है सर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं विवेक देबरॉय, वो कहते हैं कि अभी संविधान की ज़रूरत नहीं है और नए संविधान की ज़रूरत है 2047 तक, तो क्या कहेंगे सर? आज आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उधर से वो इस तरीके की बात। ये कोई नई लड़ाई नहीं है, इस देश के वजूद में जो भी वैचारिक संघर्ष हुआ है वो यही रहा है। एक तरफ वे विचार के लोग थे जो सबके न्याय समता बंधुता की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, किसी के शोषण और किसी के अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ हमेशा वो लोग रहे जो शोषण करने वाले रहें, बांटने वाले रहें, थोड़े से लोगों का सब कुछ पर कब्जा रहे उसके पक्ष में वो हैं, बाकी लोग गुलाम बने रहें। तो ये हमेशा की लड़ाई है। तो भारत का संविधान पिछले 75 साल में किसके पक्ष में खड़ा हो गया? जो शोषित था, कमज़ोर था, पीड़ित था, गैर बराबरी के खिलाफ, न्याय के पक्ष में खड़ा हो गया भारत का संविधान। तो इसने एक बहुत बड़ी आबादी को न्याय दे दिया, बराबरी का अधिकार दे दिया, लेकिन दूसरे लोगों को ये पछता नहीं है। तो वो बार बार संविधान को पहले तो नहीं मानते, विरोध करते हैं। RSS के लोगों ने विरोध किया इस संविधान का, वो इस संविधान को कभी दिल से माने भी नहीं, अब जो ताकत में है तो कह रहे हैं कि हम इसको बदल देंगे। तो ये एक लंबी बचाई की लड़ाई है, कोई नई बात नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि संविधान बदलने की बात तो खतरा तो है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं वो बदल नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल में भीतर भीतर से बहुत कुछ ख़त्म कर दिया है संविधान को, थोड़ा बहुत बचा है अभी। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में 75 साल में जो स्वतंत्रता का मूल्य आया और इस देश के संविधान लागू होने के बाद जो ये 72-73 साल बने हैं, इसमें कुछ तो चीज़ जनता तक पहुंची होगी कि वो अपने संविधान को बचा लेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ऐसे जो बदलने वाले लोगों की चूँकि नीयत ख़राब है, वो बांटने तोड़ने नफरत के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद ऐसी है कि वो हारेंगे और जो सबके लिए बराबरी का बात सोचता है वो जीतेगा। तो संविधान तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। आपको लगता है कि 2024 में जब BJP फिर से सत्ता में आ गई तो संविधान बदल जाएगा और उसके जगह क्या लागू होगा सर? देखिए, एक बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2024 का चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है, क्योंकि अब तक लोकतंत्र का भ्रम बना रहे इसके लिए चुनाव होते थे। हो सकता है 24 के बाद ये प्रेसिडेंशियल रूल की तरफ चले जाएँ कि चुनाव की जरूरत क्या है, एक देश एक चुनाव, एक नेता एक पार्टी। तो जब तक जीवित रहेंगे ये रहेंगे, इनके बाद इनका कोई वारिस रहेगा, ऐसा हो सकता है, खतरा तो बहुत बड़ा है। 24 का चुनाव इस सब के लिए अहम है, इस देश की जनता को ये बात पता नहीं कितना समझ में आएगी, हम लोग तो कोशिश में हैं कि ये बात समझें कि ये बहुत ख़तरनाक चुनाव है। दूसरी बात ये कि संविधान बदल देंगे तो क्या लाएंगे? उनके पास कहने को हम लोग उसको मनुस्मृति कहते हैं, लेकिन वो नहीं लाएंगे, उससे भी खतरनाक कोई चीज़ लाएंगे। हो सकता है संविधान को ऐसे ही रहने दें लेकिन अंदर से इतना उसको बदल दें कि वो लिबास वैसा ही रहे और अंदर से ये देश बर्बाद हो जाए, खतरा बहुत बड़ा है। हमें नहीं पता, ये तो RSS वाले बताएंगे उनके मन में क्या है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि उनके मन में संविधान नहीं है, इसलिए हम उनके खिलाफ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल है,
जाति जनगणना की बात हो रही है उस पर स्टे लगा दिया गया था, फिर से शुरू हो गया है बिहार में, तो सर ये क्यों जरूरी है? जाति जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि जाति है तो जाति के नाम पर भेदभाव है, जाति है क्योंकि लोगों को जाति देखकर शिक्षा रोजगार जमीन का मालिकाना हक हजारों साल से मिला, जाति के नाम पर बंटवारा है, जाति के नाम पर शोषण है, जाति के नाम पर आज भी यूनिवर्सिटी में मैं हूँ ना, जाति देख करके वो इंटरव्यू में एक नंबर देंगे एक दो नंबर ये तय करते हैं, जाति देखकर लोग घोड़ी चढ़ने पर मारते हैं, जाति देखकर मूछ रखने पर मारते हैं, जाति देखकर पानी पीने पर मारते हैं, आज भी जाति देखकर आज भी शादी कर रहे हैं, जाति देखकर एक जो है जन्म से मृत्यु तक हर जगह भोज उसी को मिलता है, हर जगह जाति है। प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने वाले को जाति बतानी पड़ रही है, कैबिनेट मंत्री किसको बना रहे हैं उसकी जाति बतानी पड़ रही है, राष्ट्रपति बना रहे हैं उसकी भी जाति बतानी पड़ रही है। तो जाति इस देश की, ये भारत गाँव प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। इसलिए जब इतना सब कुछ जाति के नाम पर है और देश चाहता है कि हम जातिवाद खत्म करें, जातियों के भेदभाव खत्म करें, तो इसके लिए जनगणना जरूरी है कि जरा पता तो चल जाए कि कौन कितना क्या क्या लिया, इस शिक्षा रोजगार धन संपत्ति बिजनेस व्यापार कौन कहाँ खड़ा है, और देश की नीति बनाने के लिए जरूरी है, जो पिछड़ गया उसको आगे कैसे ले आएंगे जब आपके पास आंकड़े ही नहीं होंगे। सर आपको पहले से पता है कि 52% ओबीसी की आबादी है, पुराना आंकड़ा है, हम तो कह रहे हैं हम 75% हो गए हैं, तो उतना भी लागू नहीं करवा पा रहे हैं जानने के बावजूद। तो सर अगर गणना हो भी जाएगी, संख्या बाहर निकल कर आ जाएगी, हो सकता है कैसे लागू होगा, मंडल का अगला चरण का आंदोलन खड़ा हो जाए, और आंदोलन खड़ा हो जाए, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम वो वाले बाबा नहीं है जो पचक पर्चा बनाता है, उसको पता है कि देश में जाओ तुम्हारा ये होगा वो होगा, हम लोग तार्किक वैज्ञानिक लोग, हम समाजशास्त्र को विज्ञान को पढ़ते हुए ये उम्मीद करते हैं कि गैर बराबरी के आंकड़े अगर सामने आएंगे तो पूरे राष्ट्र को एक आंदोलित करने का मौका मिलेगा कि आप असल में सबके राष्ट्र बन ही नहीं पाए, कुछ लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए, तो उनके बीच एक चेतना पैदा होगी कि हमें क्या नहीं मिला, तो इस तरह से एक देश बनेगा, ये राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है, सबका भारत बने इसके लिए जरूरी है कि किसको कितना क्या मिला है क्या नहीं मिला इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, वैज्ञानिकों की वजह से और जो प्रधानमंत्री उनकी किस्मत की वजह से, तो ये सब कह रहे हैं, उससे ज़्यादा अभी नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं तो चंद्रयान तो आज गया है, मुख से दुनिया में कौन बच्चा पैदा हुआ, भारत में, तो ये सब तो पहले ही देश में हो चुका है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, तो वो लोग विज्ञान विज्ञान को नहीं मानते, कोई सूरज निकल जा रहा है, कोई समुद्र पी जा रहा है, ये सब दुनिया में और कहीं संभव है, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, तो उनसे उनकी क्या उम्मीद करें, वो यही सब करेंगे, पाखंड फैलाएंगे, इस देश के नागरिक को तय करना है कि अपने बच्चों को पाखंडी बनाएंगे या विज्ञान और तकनीक पर उनको शिक्षित रोजगार जागरूक करेंगे, देश की जनता तय करे कि उसको क्या चाहिए। बहुत धन्यवाद।